दोस्तों आ चुका है हम लोगों का जादूगर ओपी शर्मा। खाली रहते नाचे जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। पहला है ये है कितने का, 500 रुपए, 300 रुपए और 150 रुपए। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं रविंद्रालय नहीं, केसर बाग, ओपी शर्मा जूनियर ओपी शर्मा का शो देखने। तो चलते हैं वहाँ, मैजिशियन शो देखते हैं, और जिसका टिकट है 500 रुपये, 300 रुपये और 150 रुपये। तो ये तो जाकर पता चलेगा, अभी कन्फर्म नहीं ना, तो एक पास मिला है मुझको तो उसी के थ्रू मैं जा रहा हूँ। तो देखते हैं चल के वहाँ पर, आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। तो दोस्तों धूप हो रही थी, टोपी लगा ली और थोड़ा गाड़ी को साफ कर देते हैं, पोंछ देते हैं। तो दोस्तों इसको पूरा तैयार कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो तुम क्या पहले गए हो जादूगर देखने? मैं नहीं गया। और दोस्तों बता रहे हैं कि ये ओपी शर्मा पे वीडियो देखी, यूट्यूब पे उतना मज़ा नहीं आता है, बट ठीक है पता चल जाता है, जो सामने से देखने का मज़ा वो तो अलग ही है। तो थोड़ा गाड़ी को अच्छे से चमका देते हैं। डाल लिए गमलों में पानी, दादी बैठी हुई है यहाँ पे, अम्मा बैठी हुई है, मोगली भी साथ में। मोगली ये गाड़ी कैसे चलती, गाड़ी बता दो। तो इस तरह गाड़ी चलती है, एक बार फिर चला दो फिर से। अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ पर, कहाँ है अम्मा, तो सेजल है वहाँ। बाबा जी आ चुके हैं, फाइनली समय आ चुका है निकलने का यहाँ से। अरे रेडी हो? चलो चलो मोगली तुम भी चलो, चलो चलते हैं। बाय बाय। दोस्तों अभी हम निकल चुके हुए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं केसरबाग, वहाँ जादूगर ओपी शर्मा का शो देखना है। तो पहले टिकट जाके लेंगे, पहले एक घंटा पहले निकले हैं, 7 बजे का शो है और 6:45 बजे निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ टिकट भी लेना पड़ेगा, एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी वहाँ पर सीट मिल पाएगी सही से। और हम लोग के पास पास भी है जो इसमें 50% ऑफ है। तो चलते हैं दोस्तों, रास्ता दिखाते हैं आपको। Oh,
से डायरेक्ट हम लोग को जाना है हजरतगंज, हजरतगंज से सीधे जाएंगे, लेकिन 40 नहीं पहुँच जाएंगे, तार नहीं पहुँच जाएंगे। आ चुका है हम लोग का जादूगर ओपी शर्मा, तो चलते हैं अंदर। पार्किंग सुविधा पूरी उपलब्ध है और इधर साइड में झूला लगा हुआ है और ये पूरा है। अंदर का भी नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। अभी शो देखिए छूटा है, यहाँ सब लोग जा रहे हैं। अब इसके बाद वहाँ अंदर सब सेट होगा पूरा स्टेज, फिर उसके बाद ही हम लोग की एंट्री होगी। आरएस क्या हुआ, काफ़ी उत्सुक हो लग रहा है जो उड़ा रहा है ना, 50 रुपए में 10 मिनट। दोस्तों आइए यहाँ झूला झूलिए।
दिन का जो है 300 रुपये रॉयल है, गोल्ड है 200 रुपये, सिल्वर है 100 रुपये, और 4 बजे का जो है 400 रुपये है, 250 रुपये गोल्ड है, 150 रुपये, और शाम का जो है वो 500 रुपये है, 300 रुपये और 150 रुपये, रोजाना 300 हैं, 1 बजे से 4 बजे व 7 बजे। दोस्तों क्राउड देख सकते हैं कितना है यहाँ पर, बहुत ही भीड़ है यहाँ। मिलती है देखिए जो ऑफिशियल साइट है magicianopsharma.com, यहाँ आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। पहले कभी आए हो क्या तुम? नहीं, अंदर जादूगर की पूरी फैमिली। शौचालय क्या हुआ? कुछ नहीं। आर्यस बहुत इंतजार कर रहा है कब छूटे और हम लोग अंदर जाके एंट्री लें। चलिए दोस्तों टाइम हो गया है अब एंट्री का, एंट्री लेते हैं हम लोग। लाइन लगेगी यहाँ पर, एक लाइन से टिकट। कितने का है भैया? 300 रुपये। ये सारे सामान है इसमें? हाँ। तो शो अभी शुरू होने वाला है, अभी 10-12 मिनट का समय बाकी है। अभी शो शुरू होने में बाकी है 10 मिनट, 10 मिनट बाद शो शुरू होगा। यहाँ सोने सुन रहा हूँ मैं, गुस्सा लगी बहुत तेज। अच्छा हाँ, मन कर रहा है तोड़ ताड़ रहे हैं इतनी देर से, 1 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं। 1 घंटे पहले भी तो आए थे हम लोग, इन लोग को शो शुरू करने चाहिए, सब लोग आगे बैठ गए तब भी। Look behind.
आपने कुछ देखा? अगर नहीं तो अपने सामने देखिए कपड़े ओपी शर्मा। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, नहीं थी तो आ गई। इस छड़ी से आपको हिप्नोटाइज, मेस्मराइज और आइज पैरालाइज कर दूंगा। जो मैं चाहूंगा वही हो, वही हो। जो मैं दिखाऊंगा आप वही देखेंगे, वही देखेंगे। खत्म भी नहीं हो रहा है। देखिए बल्कि Oh,
ये लोग पूरा खाली है। हम लोग है लोग आके हम लोग नहीं बने आके बुद्धे है वो जो है गोला वो जो बॉक्स है गोला ये कैसे क्या बोला था कि मैं जो दिखाऊँ तुम लोग वही देखो जो बोल कैसे निकाल दी ना Thank you.
कुछ नहीं है। Thank you.
अपने चमत्कारों को प्रस्तुत करते रहे। लेकिन जादू कला हमारे देश की प्राचीन परंपरा है। बहुत सारे खेल प्रदर्शन जो वर्षों वर्षों से जादू के साथ जुड़े रहे, जादू में अपनी पहचान बनाए गए। इन प्रदर्शनों के बिना कोई भी एक जादू शो हमेशा ही अधूरा है। आइए इसी बीच कुछ आपके लिए बनाते हैं मैजिक ऑफ ट्रेडिशन ट्रेडिशन। रुक दीजिए, इधर ही आएंगे। Thank you.
आप लोगों ने देखा कि माँ के इस गर्भ में इस लड़की की रक्षा तो सिटी
उसी का प्रतिरूप आपके सामने इस मंच पर खड़ा है, जो एक्चुअल स्टेचूज की हाइट 151 फीट और जो आप इस मंच पर देख रहे हैं इसकी हाइट है 12 फीट। इस स्टेचू को पीछे की तरफ से कवर करने के लिए बड़ा सा फ्रेम लगा और सामने की तरफ से कवर करने के लिए हमारे पास एक पर्दा है, तो प्लीज पर्दे को उठाया जाए। इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से आधा स्टेचू दिखाई दे रहा है और नीचे का आधा स्टेचू इस पर्दे से ढका हुआ। आइए इस स्टेचू को हम और ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं और अब इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से स्टेचू का मसाज दिखाई दे रहा है, जो दर्शक पीछे हैं उनको ऊपर से इसका सर भी दिखाई दे रहा है। तो लीजिए इस स्टेचू को हम पूरी तरह से ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं। ये क्या, पर्दे की हाइट कुछ कम है और स्टेचू की हाइट ज्यादा है। जब पर्दा ऊपर है हमें नीचे से स्टेचू दिखाई दे रहा है और जब पर्दा नीचे है तो ऊपर से स्टेचू दिखाई दे रहा है, मतलब साफ है कि इस पर्दे से स्टेचू को पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता। जनरली मैजिशियंस यही करते हैं कि किसी भी चीज को गायब करने के लिए पहले उसे पर्दे से ढकते हैं, फिर वो पर्दा उठाते हैं, वो चीज गायब हो जाती है। लेकिन आज हमारे पास तो ये मौका भी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो पर्दा है वो इस स्टेचू से छोटा है, इसलिए हमें इसे आपकी नजरों के सामने ही गायब करना होगा। तो प्लीज पर्दे को वापस नीचे लाएं। आप लोग जो स्टेचू देख रहे हैं इसे बनाने के लिए पहले हमने स्टील का जाल बनाया, सीमेंट कंक्रीट से पूरा ठोस और मजबूत किया गया, बाहरी फिनिशिंग यानी खूबसूरती देने के लिए इसमें फाइबर का इस्तेमाल हुआ। फिर जो स्टेचू तैयार हुआ उसका वजन 530 यानी 530 किलो, ऐसे आज हम आपकी नजरों के सामने ही गायब करेंगे। नाउ यू सी वेलसिंग द स्टेचू ऑफ लिबर्टी इन स्लो मोशन। Yes.
के लिए आया यार। आगे क्यों भाई जाओ चले आओ क्या चले आओ पता चला कि हिंदुस्तान की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है। हमने तो सिर्फ दो तीन बच्चों को बनाया था और यहाँ लाइन लगी पड़ी है। कोई बात नहीं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है, क्या दो तीन बच्चों की जरूरत है, लोग ऐसे ही लाइन खड़ी कर देते। हमने तो बहादुर बच्चे को बुलाया था। बहादुर कौन है आप? अब बेटा लड़का है कि लड़की? लड़का। कैसे मालूम कि आप लड़का हैं? मम्मी ने भी नहीं बताया। मम्मी को भी नहीं मालूम है। क्या नाम है बच्चा आपका? अब जब इस क्लास में पढ़ते हैं बेटा, पढ़ लिख कर बड़े होंगे तो क्या करेंगे? बेटा पढ़ लिख कर जब बड़े होंगे तो आप क्या करेंगे? हजारों हजार साल पहले
देश में राजकुमारी पैदा हुई एक जिसकी खासियत थी खूबी थी हवा में चलती थी हवा में तैरती थी उसके पैर जमीन में हो लेकिन ये बात हजारों हजार साल पहले आई हमारे इस बच्ची को मिस्र की राजकुमारी मिस्र की शहजादी मांग कर आपके सामने हम ये प्रयोग के दौरान हवा में चलती मिस्र की शहजादी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है।
जिसके लिए आपका ये जिया बेकरार है और इस पूरे वातावरण में छाई बहार है। देखते हैं इस तोहफे को भी नाम से इंटरवल। Yeah.
देख बीचों बीच में वो बगल से बैठ जाती है। कद्दू मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, यहाँ से बच्चा आपके पेट से पड़ जाएगी। भाई तो बदे सीधा कैसे निकल आया? वो एक निकल टेढ़ी होती ना वो
जी। अब बताओ कहाँ है? हैं? कहाँ है?
तो वहाँ है, गई।
आज मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ। तुम्हारी पहली इच्छा कि तुम इस हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखो, तो राजकुमारी आओ आओ अपने असली रूप में, राजकुमारी आओ आओ आओ।
शो कैसा लगा देखना, बड़ा बढ़िया लगा होगा आपको। और शो ख़त्म हो चुका है और अब चलते हैं यहाँ से घर हम लोग। तो आर्य शो कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा। तो बहुत मस्त था और अब हम यहाँ से जा रहे हैं।